हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की संरचना यदि हम प्लांट की बात करते हैं बॉटनी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ओव्यूल क्या होता है जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी पादप में किसी भी प्लांट में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको कहते हैं गाइनोशियम और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको कहते हैं एनरोशियम तो गाइनोशियम जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बनता है ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा क्या क्या होते हैं ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा तो जो ओवरी है ओवरी के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है कहाँ पर होता है ओवरी के अंदर और हम कह सकते हैं कि जो ओव्यूल है हम इसको मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं हम ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं क्योंकि ओव्यूल में पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट होता है ओव्यूल में क्या होता है फ़ीमेल गैमेटोफाइट होता है या जो ओव्यूल है इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं एम्ब्रियोसेक है. ये ढके हुए रहते हैं या इनक्लोज रहते हैं और हम इस संरचना को ओव्यूल कहते हैं तो ओव्यूल एनजियोस्फर्म प्लांट में पाई जाने वाली वह संरचना है जो कि आगे चलकर सीट का निर्माण करती है ओव्यूल से क्या बन जाएंगे सीट्स बनते हैं और ये कहाँ पर होते हैं ओवरी के अंदर ओवरी में पूरा फीमेल या मिटोफाइट या जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका पूरा ढका हुआ भाग उसका जो इंक्लोज पोर्शन है उसका पूरा ढका हुआ भाग जो है वही ओव्यूल है और यदि हम इस ये जो आपके सामने संरचना दिख रही है ये ओव्यूल की एल है ये क्या है ओव्यूल की एल एस तो जब हम जब हम किसी भी एलएस सेक्शन काटते हैं या एल एस की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमें उसमें क्या क्या पार्ट दिखाई पड़ते हैं तो हम अभी इनको समझेंगे देखो ये जो चित्र है ये एक साधारण एंजियोस्पर्म प्लांट के सीड की एलेस है और ये जो एलस है ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का है एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतीप बीजान ये एनाटोपस ओवियुललेस है ओव्यूल वैसे तो क्या होता है एक राउंडेड संरचना जैसे आपको दिख रहा है गोलाकार थोड़ी सी गोलाकार संरचना है और ये ओव्यूल एक स्टॉक से जिस जिस संरचना से जुड़े हुए रहते हैं वो संरचना कहलाती है फ्यूनिकल क्या कहलाती है फ्यूनिकल और ओव्यूल प्लेजेंटा से फ्यूनिकल के द्वारा जुड़े रहते हैं ओवियुल्लाजेंटा से फ्यूनिकल के द्वारा जुड़े रहते हैं और ओव्यूल की संरचना में फ्यूनिकल जिस स्थान से जुड़ता है जहाँ पर फ्यूनियल फ्यूनिकल जुड़ रहा है वो स्थान कहलाता है हीम वो स्थान कहलाता है हिलियम। और ओव्यूल के आप ऊपर वाले ये जो चित्र है इस चित्र में आप ऊपर की तरफ देखिए जहाँ चलाजा लिखा हुआ है तो चलाजा एंडल जो चलाजा का भाग है हम चलाजा उसको कहते हैं जहां से कि इंटेग्यूमेंट उत्पन्न होते हैं इंटेग्यूमेंट मतलब ये जो दो आपको ग्रीन कलर की संरचनाएं दिखाई दे रही है ये अध्यावरण है ये आवरण है तो हम इनको कहेंगे इंटेग्यूमेंट तो ये जो दो इंटेग्यूमेंट हैं ये जहाँ से बनना प्रारंभ होते हैं हम उन्हें कहते हैं चला जा हम उस जगह को कहते हैं चलाजा और इस एनाट्रोपिस ओव्यूल में फ्यूनिकल इसमें फ्यूनिकल आगे की ओर थोड़ा सा आगे की ओर हो गया ये जो फ्यूनिकल से जुड़कर ये जो ओव्यूल है ये आगे की ओर हो गया है और ये रेफी बना लेता है ये क्या बना लेता है रेफी और ओव्यूल संरचना में जो इंटेग्यूमेंट है यदि हम इंटेग्यूमेंट्स को देखें तो जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये किस किस को घेरे हुए हैं एम्ब्रियोसेप को फीमेल गेमेटोफाइट को और फीमेल गेमेटोफाइट के बाहर का जो भाग है न्यूसेलस उसको भी इंटेग्यूमेंट पूरा घेरा हुआ है अब इसमें हमको दो इंटेग्यूमेंट देखो पूरे क्लियर दिख रहे हैं ना अंदर वाला पोर्शन देखो जो डा जो ग्रीन कलर का है वो अंदर वाला पोर्शन है जो सबसे अंदर आपको एक एग शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एम्ब्रियोसेक है हम उसको कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट तो हम उसको क्या कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट तो और फीमेल गेमेटोफाइट तो जो होता है ये सेवन न्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर है कितना है सेवन न्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर इसमें जो सबसे बीच वाला न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है दो न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बना एक आ, सेल एक न्यूक्लियस बना रहे और नीचे तीन है और ऊपर तीन है जो ऊपर तीन न्यूक्लियस है वो एंटीपोडल सेल्स वो क्या है जो ऊपर तीन न्यूक्लियस है वो एंटीपोडल सेल्स है।, है वो सीनरगेट्स है वो है तो तीन नीचे तीन ऊपर और बीच में दो तो ये, ये बीच में अभी हमको एक दिख रहा है क्योंकि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं अच्छा अब ये देखो आपको ये जो दिख रहा है ना माइक्रोपाइल ये दिख रहा है ना माइक्रोपाइल अधिकतर जो एनजियोस्पमिक प्लांट हैं उनमें क्या होता है कि दो इंटेग्यूमेंट होते हैं कितना इंटेग्यूमेंट होते हैं उनमें दो इंटेग्यूमेंट होते हैं और ये दोनों इंटेग्यूमेंट नीचे की तरफ थोड़ी सी जगह छोड़कर पूरे एम न्यूसेलस को घेरे रहते हैं ये तो ये आपको थोड़ा छोटा सा यहाँ पे छिद्र दिख रहा है यहाँ पर आपको जो है छोटा सा छिद्र दिख रहा है देखो ये छिद्र दिस इज द माइक्रोपाइल ये क्या है माइक्रोपाइल ये एक इंटेग्यूमेंट इधर गया और एक इंटेग्यूमेंट इधर गया तो ये ए, एक इंटेग्यूमेंट ये और ये दूसरा ये रहा दो इंटेग्यूमेंट है ना और ये इंटेग्यूमेंट जो है बीच में इन्होंने छेद छोड़ रखा है तो ये जो छेद है ये कहलाता है माइक्रो पाइल ये क्या कहलाता है माइक्रो पाइल तो यदि हम देखें तो देखो इसमें ये आपका पूरा एलएस है ये क्या है आपका पूरा एलएस अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनमें न्यूसेलस काफ़ी सघन हो जाता है या मैसी हो जाता है मतलब ये वाली संरचना जो है ये थोड़ी मोटी हो जाती है ये मोटी हो जाती है और इस तरह के फिर ओव्यूल को हम तनु बीजांड कहते हैं और जैसे जिम्नोसपम जो होते हैं जिमनोस फॉर्म में जैसे आपको ये एक आवरण दिख रहा है दो इंटेग्यूमेंट दिख रहा है वन इंटेग्यूमेंट एंड टू इंटेग्यूमेंट लेकिन जिमनोस फॉर्म में ओनली एक ही इंटेग्यूमेंट होता है <coughs> सॉरी तो हम उसको यूनिटैगमिक कहते हैं हम उसे क्या कहते हैं एक अध्यावरणी बीजांड अब इसमें हमको कितने मिल दिख रहे हैं एक और दो तो ये कैसा हो गया बाईटैगमिक ओव्यूल अब ये, हम यदि ये इसको देखें तो देखो इसको एक बार हम फिर से देखते हैं कि ओब्यूल में हमको क्या क्या भाग दिखाई दे रहे हैं सबसे पहला तो ओब्यूल ओवरी में पाया जाता है ओब्यूल कहाँ पाया जाता है ओवरी में और ओवरी में ये प्लेजेंटा से जुड़े रहते हैं प्लेजेंटा ओब्यूल के जिस भाग से जुड़ता है हम उसको फ्यूनिकल कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको फ्यूनिकल और इस पूरे भाग को देखो ये जो पूरा राउंड शेप है इसको दो इंटैग्यूमें इसको दो आवरण घेरे हुए आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट तो चूंकि एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में दो इंटेग्यूमेंट होते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे बाईटैगमिक संरचना क्या कहेंगे बाईटैगमिक संरचना और जो ये वाला पोर्शन है एम्यूसैक के बाहर वाला पोर्शन दिस पोर्शन नोन एज न्यूसेलस ये पोर्शन क्या कहलाता है न्यूसेलस और जहाँ से चलाजा उत्पन्न होते हैं सॉरी जहाँ से इंटेग्यूमेंट उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं चलाजा तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका चलाजिल पॉइंट और ये वाला कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड ये माइक्रोपाइल पॉइंट है और ये चलाजा पॉइंट है तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक सिरा है और ये एक सिरा है तो ये जो एम्ब्र्यूसेक है एम्ब्र्यूसेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं एमरेसोक को हम क्या कह सकते हैं ये पूरा जो है ये दिस इज अ फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्या है फीमेल गैमेटोफाइट? अब इसके फीमेल गैमेटोफाइट में एग एपरेटर्स है ये क्या है आपका एग एपरेटर्स है और ये बीच वाला तो एग एपरेटर्स है और ये वाली दोनों संरचना ये जो दोनों कोशिकाएँ ये सिनरगट्स है ये क्या है सिनरगट्स यह इसको सह कोशिकाएँ है कहते हैं केंद्रीय भाग में पोलर न्यूक्लियाई है और ये चलाजल एंड है हमेशा चलाजल एंड पर ये जो होती है दीज आर द एंटीपोडल सेल्स ये कौन सी है एंटीपोडल सेल्स प्रतिमुखी कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं तो ये हमारे ओव्यूल का भाग हुआ ये हमारे ओव्यूल का स्ट्रक्चर हुआ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल लेकिन ये जो ओव्यूल है ये तो इसका चलो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया लेकिन इसका जो है इसके कई प्रकार भी होते हैं इसके डिफरेंट प्रकार भी होते हैं और जो इनके अलग अलग प्रकार हैं वो इनकी संरचनाओं के आधार पर होते हैं इनकी संरचनाओं के आधार पर होते हैं तो कौन कौन से प्रकार होते ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या नाम है देखो आपको एक क्लास में हम और भी इनके ओव्यूल के स्ट्रक्चर को अच्छे से सभी एक और क्लास में अच्छे से समझाएंगे देखो पहला अभी अपन नाम देखते हैं पहला है अपना ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इसका एको नाम है ए ट्रोपस ओब्यूल हिंदी में कहते हैं रितु बीजांड ये रितु बीजांड है फिर आपका जो दूसरा वाला है दूसरा वाला है एनाट्रोपस ओव्यूल हमने देखो ये जो संरचना पढ़ी ये भी इसी तरह से ये तो ये जो एलएस है वो किसकी थी एनाट्रोपस ओव्यूल की एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रतीप बीजांड क्या कहेंगे इसको एनाट्रोपस ओव्यूल या हिंदी में कहेंगे प्रतीप बीजांड थर्ड वन इज केमाइलोट्रोपस आपका थर्ड जो है सॉरी ये जो थर्ड जो डी वाला है ये है केमाइलोट्रोपस वक्र बीजांड डी वाला जो है ये है केमाइलोट्रोपस और सी वाला है हैमी हेमोट्रोपस अर्ध प्रतीत ओबीजांड हैमी एनोट्रोपस ओव्यूल फिर है आपका एम्फीट्रोपस ई वाला जिसमें जो आपको दिख रहा है ई वाला डायग्राम उसको देखो ये है एम्फीट्रोपस एम्फीट्रोपस ओव्यूल इसमें इसकी संरचना बाकी और ओव्यूल्स आप सबको तो देखो सबके स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है मैं तो आसानी से इनको पहचान सकते हैं सिक्स वन इज सरसिनोट्रोपस तो सरसिनोट्रोपस जैसे नाम से ही हो रहा है कुंडलित बीजांड ये थोड़ा कॉइल्ड है मुड़ा हुआ है तो ये है सरसिनोट्रोपस तो ये छह प्रकार के ओव्यूल हैं हम नेक्स्ट क्लास में इनके ओव्यूल के जो स्ट्रक्चर हैं उनको और अच्छे से ये उनके जो ओव्यूल के जो सिक्स टाइप्स हैं इनको हम अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे पहला है आपका ऑर्थोट्रोपस दूसरा है एनाट्रोपस तीसरा है ट्रोपस चौथा है, है केमाइलोट्रोपस पांचवा है एम्फी और छठवा है सरसिनोट्रोपस तो हमने आज क्या पढ़ा हमने पढ़ा ओव्यूल की एलएस और उनके प्रकारों के नाम हमने पूरा ओव्यूल की क्या पढ़ी एलएस तो एलएस में हमने ओव्यूल के इंटरनल पार्ट्स जो हैं उसकी ओव्यूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया और ये उसके प्रकार हैं तो ये प्रकार हमने आज हमने इन प्रकारों के सिर्फ नाम पढ़े क्या क्या हमने आज इन प्रकारों के सिर्फ नाम पढ़े हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझाएंगे कि ये जो ओव्यूल हैं इनके जो शेप हैं वो किस आधार पर इनको ये नाम दिए गए हैं